तो आप सभी में से काफी लोग जब होनेस्टा के अंदर स्टोरी या रील्स शेयर करते हैं तब उनके सामने ना तो टाइमर आता है ना राउंडिंग ही जाता है, कभी कभी तो वॉचफुल वाला लोगो आ जाता है जिससे काफी लोग परेशान हो जाते हैं। मैं विक्रांत और आपको कुछ ऐसा जेन्युइन सेटिंग बताने वाला जिसके बाद आपके रील्स भी एकदम आयुष की तरह 100% टाइम और राउंडिंग के साथ अपलोड होने वाली है। और उसके साथ मैं आपको देने वाला आयुष 1644 की इमोजी, आयुष 1644 की फंट एंड बहुत सारी राउंडिंग की PNG। सो लेट्स स्टार्ट टू वीडियो। गाइज मैं आपको बोलूँ कि आप 60 सेकंड की रील्स को अपनी स्टोरी पे टाइमर के साथ में ऐड कर सकते हो तो आप मानोगे बात नहीं। लेकिन हाँ गाइस, आप कुछ स्टॉक ऐसे सेटिंग करने के बाद आप अपनी रील्स को 60 सेकंड की रील्स को इंस्टा की स्टोरी पे अपलोड कर सकते हो, वो भी टाइमर के साथ में और राउंडिंग के साथ में। तो चलिए मैं सेटिंग में बता दूँगा गाइस आपने किस टाइप से इसके अंदर राउंडिंग को इंस्टॉल किया है। मैं देख सकता हूँ, आप देख सकते हो इसके अंदर राउंडिंग लगा हुआ एकदम परफेक्ट टाइमर इसके रील्स के साथ में ही है। तो उसको लगाया कैसे वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप जाओगे इंस्टा और मेरे इंस्टा को कर दोगे डाउनलोड एंड उसको कर दोगे इंस्टॉल, ठीक है। फिर आप इसके होम आइकन को टैप करोगे, ठीक है, सिंपली से। एंड यहाँ पे आपको 3 डॉट देख रहे होंगे, उसके ऊपर आपको होल्ड रखना है, ठीक है। जैसे आप होल्ड रखोगे आपके सामने कुछ न्यू फीचर्स आ जाएंगे जो कि माई इंस्टा है। इस इंस्टा को इंस्टॉल करने के बाद आप होन इंस्टा, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड गो इन सबको भूल जाओगे। गोस्ट मोड को ऑन करोगे एंड यहाँ आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आने वाले हैं, जैसे रिमोव टाइपिंग स्टेटस, रिमोव सीन स्टेटस। आपको पता है गोस्ट मोड का क्या यूज़ होता है, तो चाहो तो आप इनेबल कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे हिस्से में डाउनलोड के ऑफ। तो यहाँ पे कैसे हम जैसे ओल्ड डाउनलोड मोड ऑन करेंगे ये वाला, जिससे क्या होगा हमारे रील्स का जो ऑप्शन है डाउनलोड वाला वो हमारे रील्स के अंदर आ जाएगा। मैं आपको डाउनलोड ऑन करेंगे तो हमारे सामने देख सकते हो इस टाइप का जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है वो हमारे सामने इनेबल हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा इनेबल है, दूसरा ऑप्शन है स्प्लिट मीडिया टू यूजर नेम। इसमें क्या, जब भी आपको रील्स वगैरह कुछ भी डाउनलोड करोगे तो यूजर नेम के साथ एंड उसके नाम फोटो वगैरह के साथ में आपके एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ इस ऑप्शन को आप इनेबल करना ही मत, ठीक है, क्योंकि कोई काम का नहीं है, उसका नाम दिखाएगा तब। अब हम चलते हैं जो दूसरा हमारा ऑप्शन है, ये गाइस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि हम स्टेबलाइज स्क्रॉलिंग को ऑन कर देंगे, इसके बाद हुआ क्या, जब भी गाइस हम कोई भी रील्स को देखने जाएंगे तो जब भी जाएंगे तो मैं कोई भी किसी को बच्चे को दे दिया हाथ में तो गाइस वो आपके रील्स को स्क्रॉल ही नहीं कर पाएगा। मतलब एक एक रील्स उसके सामने रहेगी, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे आ सकता है, वो एक एक रील्स उसके सामने चलने वाली है। तो दूसरा डिसलाइक स्वीप है, ये करने के बाद आपका किसी भी नेगेटिव पॉइंट को स्वीप नहीं कर सकेगा। तो सबसे तीसरा पॉइंट है डबल टैप। आपका जब डबल टैप करने के बाद किसी को लाइक नहीं कर सकते, किसी को डबल टैप करोगे तो आप किसी की पोस्ट को लाइक नहीं कर पाओगे, आपको लाइक करने के लिए लाइक का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस हम चलते हैं इसके जो मैन और मेजर, जो सबसे बेस्ट और सबसे मेरे को हाई और सबसे पसंद लग रहा है इसका जो बेस्ट फ्यूचर है, जिसकी वजह से मैंने इसको इंस्टॉल भी किया हुआ रखा, ठीक है, जाऊंगा डिस्क्रिप्शन फ्री में, ठीक है। अब गाइस जहाँ पे आपको खास मैं सेटिंग बताता हूँ, ब्लॉग रील्स, ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग स्टोरी, ब्लॉग एक्सपेरिमेंट। अब गाइस मैं यहाँ चलो ब्लॉग एंड रील्स को कर देता हूँ, ठीक है, एंड रील्स ब्लॉग करने के बाद मैं अपना इंस्टाग्राम किसी दोस्त को दे देता हूँ। जैसे मैं रील्स के सेक्शन पर जाऊँगा तो आपको रील्स को इस पर दिखाएगा, सॉरी वी कॉन्ट यू इसे प्लीज़ ट्राई करने दिखाएगा। जैसे कि आपका कोई भी दोस्त होगा वो कंटाल जाएगा, मतलब यार चल क्यों नहीं रहा है इसकी रील्स वगैरह, कुछ भी चल क्यों नहीं रही, जिससे गाइस आप बहुत सारे फीचर्स को इनेबल कर दोगे। अब जो आप सोचते पोस्ट को भी ऐसे कर सकते हो, जो दिखाएगा ट्राई अगेन, मतलब नेटवर्क नहीं पकड़ा हो, इस टाइप से पोस्ट भी दिखाएगा, स्टोरी भी आप कर सकते हो एंड बहुत सारे ज़्यादा सिस्टम वो कर सकते हो। आप किसी के दोस्त को दोगे तो वो उसको कोई चीज़ आपके इंस्टा में नहीं देख पाएगा, सब इंटरेक्शन होते वक्त भी आपकी कोई भी चीज़ ऑन नहीं हो पाएगी, ठीक है गाइस। तो मैं जाऊँगा ये दूसरा ऑप्शन है फाइंड एंड स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है फोकस साउंड स्टोरी वगैरह, हैंड फॉलोइंग, डिसलाइक स्टोरी, प्लेइंग, इनके बारे में आपको पता ही कि मैं बार बार अलग अलग मैं बताता हूँ। यहाँ पे सबसे लिखा है इम्प्रूव फोटो वीडियो क्वालिटी, जो इसको इनेबल कर इसके आप जो क्वालिटी है वो 2000 FPS के ऊपर हो जाएगी, जो मतलब हाई क्वालिटी हो जाएगी, ठीक है गाइस। इसके बाद आओगे इस सेटिंग के अंदर, यहाँ पे गाइस आपको सबसे पहला जो ये फोर्स मैसेज अपडेट है इसको गाइस ऑन कर देना, ठीक है। एंड ये थीम वाला ऑप्शन है, इसको भी आपको एंड कॉपी कमेंट एंड डबल टैप क्लिक का इसको भी ऑन कर दो, जिसका आप किसी कमेंट के सेक्शन को कॉपी कर सकते हो एंड अपने वीडियो या फोटो या किसी में भी यूज़ करो, ठीक है गाइस। इसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में, यहाँ पे गाइस सबसे पहला डेवलपर ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको गाइस इनेबल कर देना, जिससे गाइस आपको सारे सेटिंग ऑन हो जाएंगे। उसके बाद मैं होनेस्टा को एक बार कर लूँगा आपके सामने रिस्टार्ट एंड फिर से होन कर लूँगा मैं माइस्टा को ओपन। अब गाइस जब कभी रील्स के सेक्शन में जाओगे, ठीक है, तो मैं पहले उसको इनेबल कर देता हूँ। तो अब आप जब भी कोई भी रील्स को भी टाइमर लगाना चाहते हो तो सर मैं इस रील्स को सिंपली से अपनी स्टोरी पे ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं शेयर का ऑप्शन जाऊँगा एंड यहाँ से स्टोरी ऑन कर दूँगा, तो थोड़ा सा मैं वेट करूँगा स्टोरी के लिए। तो आप देख सकते हो 60 सेकंड का जो पॉपअप दिखा दिया, मतलब कि 60 सेकंड की रील्स को टाइमर के साथ में ऐड कर सकते हो, है ना गाइस, कमाल की बात, ठीक है। इसको क्या करते हो, और आप देख सकते हो हमारा जो टाइमर है वो रील्स के साथ में ही एग्जस्ट हो गया है, ठीक है, जो कि देखने में काफ़ी यूनिक दिख रहा है, ठीक है।
तो इस टाइप से आप थोड़ी रील्स की साइज़ बड़ी कर दो। अब गाइस आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी PNG, जो कि भाई ने आपको स्टार्टिंग में बता देगा PNG फन टायर इमोजी की, जो मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको चलो PNG दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको आपको बहुत सारी PNG देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई भी एक PNG ले लेना। ठीक है, मैं इसको कलर के एग्जस्ट के हिसाब से PNG के यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, इस PNG को इस टाइप से करके थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है गाइस, एंड इसको गाइस मैं वीडियो के हिसाब से एडजस्टमेंट यहाँ पे कर दूँगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट हो गई है। तो आप देख सकते हो हमारे टाइमर के साथ रील्स ऐड हो गई है। अब गाइस मैं बताता हूँ, इसमें गाइस आप आयुष की फंट और इमोजी को यूज़ नहीं कर सकते हो। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है फंट और इमोजी का। फंट और इमोजी आपको यूज़ करना है तो आपके लिए हॉटस्टार बेस्ट है। तो हॉटस्टार को इंस्टॉल रखे, उसमें आप फंट वगैरह ये भी इंस्टॉल यानी ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड गाइस मैंने आपको बोला था कि मैं आपको फंट देने वाला हूँ एंड आयुष 16 की जो इमोजी देने वाला और PNG देने वाला, वो आपको मैं 100% देने वाला हूँ। मेरी फाइल्स के अंदर आपको दो लिंक्स मिलने वाले हैं, जिसमें एक होगा माइस्ट्रा V21। ठीक है, एंड दूसरा जो लिंक होगा उसमें आगे आपको मिलने वाली है जो मैंने बोला था फंट इमोजी एंड PNG। तो डाउनलोड कैसे करना है वो आप सभी को पता है, तो डाउनलोड कीजिए एंड यूज़ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।